उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा सत्संग हुआ जिसके कारण कई परिवार बिखर गए। किसी की माँ तो किसी का बच्चा, किसी की बहन तो किसी के पिता अपनी जान गंवा बैठे। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में लाशों का अंबार लग गया। हादसे के बाद कई तस्वीरें सामने आईं, बिलखती आंखें जिनका इंतजार शायद ही कभी खत्म हो, छोटे चकनाचूर फोन जिन पर अब कोई कॉल नहीं आएगा, रोते बिलखते लोग जिनको किसी की मदद का इंतजार है। ऐसे ही कई मासूम लोग हैं जिनका जख्म सालों ताजा रहेगा। ये सब कुछ हुआ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद। हाथरस के नेशनल हाईवे के पास बसे गांव फुलरई के खेतों में मंगलवार को सूरजपाल का कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे में भीड़ बेकाबू हो गई और श्रद्धालु रपट कर वहीं गिरने लगे। भीड़ का सैलाब इतना जबरदस्त था कि कोई किसी अपने के लिए चाहकर भी नहीं रुक सका। लोग भागते रहे, लाशें पिछती रही। अब इस बीच हाथरस भगदड़ घटना के बाद से फरार सूरजपाल और भोले बाबा के मैनपुरी में बिछवा आश्रम में बदलते हालात दिखाई दिए। देर रात एसवी सिटी राहुल मिठास सीओ और स्वाट टीम के साथ आश्रम पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे बाद वहां से बाहर निकले। अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार कितने हैं? 50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन सवा घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में सवा घंटे हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं, और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग ना रहे। सवा घंटे तक आप लोग भी थे अंदर। सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन सुबह आते हैं कई अनुयायियों के निकालने के बाद आ जाएंगे। लेकिन सर, सवा घंटे तक आप लोग आश्रम के अंदर रहे? आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई। सर, सवा घंटा ऐसा सूचना चेकअप हम अंदर गए नहीं है, कहां से कर रहे हैं आप? अपनी सुरक्षा का भी मान रहे हैं? सुरक्षा सैया बढ़ाने की जरूरत है? न एसओजी टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, ना कंपाउंड के अंदर थे ना बाहर थे, हम बाहर भाई। दरवाजे के अंदर थे? दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? हम लोग देखा, हम लोग ने कैमरे पर है सर, कैमरे कैमरे पर है, किसी तरह कैमरे के अंदर है। दिखा देते हैं सर लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर क्या क्या हुआ। चलिए भाई, कैमरा ऑन कीजिए और दिखाइए भैया कैमरा। आपका कहना बाबा अंदर नहीं थे? कंफर्म है बाबा अंदर नहीं थे? न कल थे न आज हैं। सर, क्या जो है रात में अचानक से गतिविधि बढ़ गई? नहीं, कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट सीखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर, आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी क्या? उसकी तलाश में आए थे? क्यों आए थे सर? एफआईआर जो दर्ज हुई है क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं, उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर है सर? बाबा अंदर है सर? बाबा अंदर है सर? बाबा कोई मिला नहीं था। माना जा रहा है कि सूरजपाल लापता है। वहीं आज पुलिस बल भी कम कर दिया गया है और बाहरी लोगों का आवागमन भी बंद कर दिया गया, लेकिन आश्रम के अंदर सेवादार कहे जाने वाले लोग मौजूद हैं। प्रवचन करने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने इस 5 एकड़ में बने आश्रम के एक हिस्से में अपने रहने के लिए आलिशान सफेद पत्थर का बंगला तैयार करवाया है, लेकिन सूरजपाल कहाँ है ये किसी को नहीं।